एली आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है, तो कुछ सीखी है या किसने सिखाई है? एक्चुअली हर रोज में अपने स्टाफ के साथ तैयारी की है आपने? हाँ, अभी अभी मेरा मूवी चल रहा है ना, मेरे शो पे चल रहा है कपिल शर्मा के साथ, अब्बास हसन सर का। सो या ऑफ कोर्स मतलब मैंने प्रिपेयर किया मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, सिर्फ यही बोल सकती हूँ कि फुल ऑन कॉमेडी बहुत फनी स्क्रिप्ट है, कमाल है। और मेरा रोल तो मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि आई एम प्लेइंग अ पॉप स्टार, सलमान का बर्थडे आने वाला है, तो क्या कुछ आपने अपनी तरफ से तैयारी की है? लुक कैमरा मैन, मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे घर वालों ने थोड़ा सा ऐसा स्ट्रिक्टली टेक सब किया, सो व्हेन आई टर्न्ड 18 इयर्स ओल्ड और पहली बार जब मैं क्लब के लिए जाना चाहती थी, तो मेरे पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन आपकी मॉम के साथ। मैंने बोला क्या मॉम भी आएंगे? तो मैंने कहा कि हाँ आपको जानना चाहिए ना, तो मॉम भी आएंगे। बोले चलो ठीक है। सो या दैट्स द ट्रूथ, दैट फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट आउट क्लबिंग मेरी मॉम भी थी मेरे साथ, सो शी वाज लाइक अ बॉडीगार्ड। सो या बट आई हैड फन, मैंने मॉम के साथ भी नाच किया। अच्छा, एक सलमान जी के लिए विश कर दीजिए। कैमरा लुक मैम, हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए। लुक सेंटर, लुक सेंटर, लुक कैमरा मैम। ओके, हैप्पी बर्थडे सलमान जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव एंड मंथ्स ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ हैप्पी और ऊपर, और सिर्फ खुश रहो और एंजॉय करो। अच्छा, न्यू ईयर आने वाला है, क्या कुछ रेजोल्यूशन किया आपने न्यू ईयर के? हाँ, कि मैं सिर्फ पॉजिटिव रहूँगी और खुश रहूँगी और एंजॉय करूँगी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे लगता है कि बस यही रहना चाहिए और कुछ नहीं। ऑडियंस के लिए भी मैं सेम चीज़ बोलूँगी मेरे ऑडियंस के लिए कि सिर्फ खुश रहो और एंजॉय करो। अरे ऐसा मत ना, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हुआ गुरु तो लाइट बंद कर दो ना आपका प्लीज यार। मैं बच्चा वो निकाल राइट साइड, मुझे राइट पढ़ना, राइट मैम योर राइट, मैम योर राइट बेटा रोलिंग। हेलो मैम, आज आप फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी गॉड टॉकिंग अबाउट पी पी एम सी, वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर एसोसिएशन विद दिस इवेंट। आई एम हियर टू कंग्रेचुलेट दिस कॉर फर्स्ट ऑफ ऑल। आई थिंक मेबी एज अ ब्रांड इन इंडिया हैज मेड अ वेरी बिग स्प्लैश व्हेन इट कम्स टू यू नो इवनिंग वेयर एंड कैजुअल वेयर। आई एम वेयरिंग अ बीबी ड्रेस राइट नाउ एंड इट फील्स रियली गुड बिकॉज इट गोज विद द पर्सनैलिटी ऑफ टुडेज गर्ल। शी इज वेरी यंग, शीज चिक, शीज कंटेम्पररी, शी लाइक to dress edgy at the same time, go pretty also. So I think BB as a brand caters to all those things. Talking about Sinful Night, we'd like to know Hasleen's style for spending a Sinful Night. My Sinful Night, that's going to be a bit of a secret. But Sinful, I'll just spend like a nice evening with a loved one and not give you more details on that. Talking about your teenage, college and those days, any experience to share for any night out? Because usually you wear it for a few hours. I remember when I was in Delhi, so during college days I used to sneak out my dad's car
and you know, me and my friends, we would like go out and party and go to these clubs and get really drunk and high, because even you do that, even though that's underage drinking, I'm sorry, please do not. But it always used to be fun. We would feel that we're rebelling against, you know, certain norms, and at the same time feel really refreshed in the morning that, oh, we had like a really nice, colorful night. Wish you a very, very happy new year, and I wish all the resolutions are not broken, don't be too simple, and try and stick to all the resolutions you make and have a very, very prosperous year. Thank you. Thank you.